सभी आठ के शुभों में प्यार से उम्मीद है आप सब खैर के होंगे। तो आज से हम लुमिनस मेथड का एक और कोर्स शुरू करने वाले हैं और इसी चैनल पे। तो आज मैं आपको समझाऊंगा कि लुमिनस मेथड की मदद से डिफरेंट एंगल के फेस कैसे बना सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लेकिन सबसे पहले जो है आपको सर्कल की जो है अच्छी खासी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो ये तो मैंने सब कुछ पहले भी बताया हुआ। तो लुमिनस मेथड की काफ़ी सारी वीडियो मेरे चैनल पे पड़ी हुई हैं, लेकिन उनसे अब इस बार डिफरेंट होने वाला है, अलग होने वाला है। तो ये मैंने एक सर्कल बनाया है, ठीक है। सर्कल की आपकी जो है काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए और देखें सर्कल जो है ना इक्वल होना चाहिए और थोड़ा भी ऊपर नीचे बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब जो है हम एक वर्टिकल में मिडल लाइन मारेंगे सेंटर में। तो ये सेंटर में होगी, ठीक है। मतलब को एक सर्कल को बीच से डिवाइड कर देंगे और उसके बाद इसके चार पीस कर देंगे एक ओरिजेंटल लाइन मार के, ठीक है। तो ये हो गया। अब जो यहाँ पे ओवल बनेगा, जो ओवल की हेल्प से यहाँ पे एयर लाइन आएगी, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख भी देते हैं, ठीक है। ये जो है हमारी एयर लाइन आ गई और यहाँ पे जो है ये जो है हमारी ब्लू लाइन। ये ब्रो आ गया और ओवल के एंड में जो है हमारी जो है नोज लाइन आएगी। अभी जो ये प्रोफाइल फेज बन चुका है, अभी हम 1/3 फेज बनाएंगे। तो ये आ गया हमारा सर्कल। सर्कल आप दो तरीके से बना सकते हैं। एक जो है आप ऐसे बना सकते हैं और फिर अगर थोड़ा बहुत टेढ़ा हो तो फिर आप ऐसे पेंसिल चला सकते हैं। पेंसिल का आप जो है वो तरीका भी देखें मेरा और इसी हिसाब से आपको जो है घर में प्रैक्टिस करनी है। तो यहाँ पे आएगा एक ओवल। ओवल क्यों आता है ये मैं आपको अगले सेशन में आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारा ओवल। ओवल समझते हैं, ओवल जो है वो अंडे की शेप जैसा होता है ओवल। और ओवल के सेंटर से एक आएगी हमारी ब्रो लाइन जो हमने यहाँ पे भी लगाई है। उसके बाद आएगी यहाँ पे हमारी मिडल लाइन जो कि हमारी ये रही, ठीक है। मिडल लाइन आ गई। ओके, अब जो है ओवल के ऊपर से हमारी आएगी हेड लाइन, ठीक है। ये जो है हमारी हेड लाइन आ गई, ये हमारी ब्रो लाइन आ गई और ये है हमारी नोज लाइन और ये है हमारी चिन लाइन। और यहाँ से ऊपर से ओवल के जो है सेंटर से एक और लाइन आएगी, ठीक है। इस तरह से जो है हमारा एक 1/3 फेज जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ये हमने क्यों बनाया और किस लिए बनाया ये मैं आपको अगला जो सेशन है उसमें आपको बताऊंगा। ये बनाने का तरीका क्या था वो भी मैं अगले सेशन में बताऊंगा। तो यहाँ पे भी एक सर्कल,
सर्कल जो है वो आपके हिसाब से होना चाहिए, आप चाहो तो छोटा, आप चाहो तो बड़ा, इस हिसाब से। तो मैं थोड़ा डार्क कर लूँ। तो अभी जो है ये हमारा सर्कल बन गया, ठीक है। अब इसी तरह से हमें बीच से जो है डिवाइड करना है, और यहाँ से भी पूरे इसके चार पीस करने हैं, ठीक है। अब जो है हम इसके अंदर और एक सर्कल बनाएंगे, इसके जैसे और एक छोटा सर्कल बनाएंगे। तो ये हमारा सर्कल बन गया, ठीक है। अब ये क्या है, ये एक ओवल जो 1/3 फेज में था, अभी ये साइड फेज में जो है वो एक पूरा एक सर्कल बन जाएगा, ठीक है। तो अब जो है सेम ये हमारी हेड लाइन, ये हमारी नोज लाइन, ठीक है, ये हमारी नोज लाइन और ये हमारी चिन लाइन। तो ये जो है हमारा साइड पोर्ट्रेट कंप्लीट हो चुका है। अभी जो है 1/3 पोर्ट्रेट होगा, लेकिन वो थोड़ा नीचे देखेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी सेम इसी तरह से एक ओवल आएगा, ठीक है। तो जितना नीचे देखेगा तो उसकी लाइन जो उतना नीचे जाएगी, ठीक है, और जितना कम देखेगा उसकी लाइन उतना कम जो है वो टर्न होगी, ठीक है। उसके बाद जो है ये हमारी ब्रो लाइन, तो ये जो है हमारी आ गई ब्रो लाइन, और ये आ गई नोज लाइन, और सेम ये जो आ गई चिन लाइन, ठीक है। तो ये समझ के अभी मैं और थोड़ा सा समझा के एंड करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एक सर्कल आएगा, ठीक है, और दूसरी बात यहाँ पे मैंने स्ट्रेट लाइन मारी है, तो यहाँ पे मैं जो है वो थोड़ा टेरी लाइन मारूँगा इस तरह से, और ये जो ब्रो लाइन है वो भी जो है वो टेरी में मारूँगा, ठीक है। अब जो है इसके अंदर एक और सर्कल बनाऊँगा छोटा सा, ठीक है। तो ये जो आप हमारी आ गई हेड लाइन, ये आ गई ब्रो लाइन, और ये आ गई नोज लाइन। और ये आ गई हमारी चिन लाइन, ठीक है। तो ये भी हमारा जो है ना वो फेस जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब जो है हम लास्ट एक और बनाते हैं। एक और बात, जैसे कि लाइंस जो आपकी होंगी वो बराबर होनी चाहिए, ना कि डिफरेंट, यानी कि एक साइज इसका छोटा एक साइज बड़ा, ऐसे नहीं, एक की साइज की होनी चाहिए कुछ इस तरह से। ऐसे नहीं होना चाहिए कि एक साइज ऐसे छोटा और दूसरा साइज ऐसे बड़ा, नहीं, ये गलत तरीका है और ये सही है। तो यहाँ पे हम एक और ओवल बनाने वाले हैं, और यहाँ पे हमारी आ गई ब्रो लाइन, यहाँ पे आ गई हमारी हेड लाइन, यहाँ पे आ गई हमारी हेयर लाइन, और यहाँ पे हमारी आ गई नोज लाइन, ठीक है। और यहाँ पे जो है हमारी मिडिल लाइन आ गई, और ये जो है हमारी चिन लाइन आ गई। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर वाकई में कुछ नया सीखने को मिला होगा तो लाइक करें, शेयर करें, आज के शौकीन बंदों को टैग करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें। इंशाल्लाह मज़ेदार सी वीडियो लाता रहूँगा। आप अपना ख्याल रखें, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। फ़ी अमान अल्लाह।